शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नई मुंबई के विविध ठिकानों पर आयोजित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भेंट दिया। उपनेता विजय नाहटा ने तमाम पदाधिकारियों के साथ नेरूल, सानपाड़ा, कोपरखेर ने एवं ऐरोली में शिवसेना नगर सेवकों और पदाधिकारियों के समारोह में हिस्सा लिया और उनका मनोबल बढ़ाया। देखिए झलकियां। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज कई नगर सेवकों और शिवसेना पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उनके दौरे की शुरुआत सानपाड़ा में शुभांगी मिलिंद सूर्यराव के हल्दी कुमकुम कार्यक्रम से हुई। उसके बाद उन्होंने नेरूल के वरिष्ठ नगर सेवक रंगनाथ आउटी द्वारा आयोजित अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ऐरोली के शिवसेना नेता विजय चौगले के जन्मदिन समारोह में भी उपनेता विजय नाहटा ने शिरकत की और उन्हें केक खिलाकर शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शिवसेना इकलौती पार्टी है जिसके पास विजय चौगुले जैसे ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें जनता का प्यार और सम्मान हासिल है। यांचा वाढदिवस रस्त्यावर हजारो लोक साजरे करतात। म्हणजे आपण पाहिलं असेल की आता 2-2 किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि कंटिन्युअस लोक त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा देत आहेत। म्हणजे खरा जनतेचा नेता कसा असावा, लोकप्रिय नेता कसा असावा, सामान्य माणसाला मदत करणारा नेता कसा असावा, तर ते उदाहरण आमचं विजय चौगुले साहेब आहेत। हे आमचं सगळ्यात मोठं असेट आहे आणि ते आहे म्हणून आम्हाला चिंता नाही आहे। तर यारो का यार ज्याला म्हणतात अशा प्रकारचे आमचे चौगुले साहेब आहे, त्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। दीर्घायुष्य मिळो, उत्तम आरोग्य मिळो आणि आत्तापर्यंत जशी अनेक वर्ष त्यांनी सामान्य माणसाची सेवा केली ती करण्याचं बळ त्यांना साईबाबा देईल याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। त्याला खूप खूप शुभेच्छा। ते शिवसेनेमध्ये आम्ही त्याला काही उलट ते आम्ही अलंकार समजतो आणि खूप चांगलं काम करणारा, नाहीतर एवढे हजारोच्या संख्येने लोक येत नाही, बोलणाऱ्यांना काय त्यांना बोलणाऱ्याचं तोंड धरता येत नाही, पण लोकप्रिय आणि लोकांना मदत करणारा असा आमचा नेता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।